एलेक्सा एक स्टोरी सुना। ये रही छोटी सी कहानी बकरी पर। गिल्लू नाम की नन्ही सी बकरी एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रहती थी। गिल्लू बहुत चंचल थी और इधर उधर उछला कूदा करती थी। गिल्लू को आने वाले कल की फिक्र लगी रहती थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि अगर कल दुनिया में घास ही खत्म हो गई तो वो और बाकी बकरियां खाएंगी क्या। ऐसे ख्यालों में उसका ज्यादा टाइम जाता था। इसके लिए उसे मम्मी बकरी से भी डांट पड़ जाया करती थी। एक दिन मम्मी बकरी और पापा बकरी ने गिल्लू को बताया कि वो लोग कुछ दिन के लिए उसके ननिहाल जाएंगे उसकी नानी बकरी से मिलने। गिल्लू को याद था कि नानी बकरी दूर पहाड़ के पीछे रहती थी और वहां पे बहुत हरी हरी घास हुआ करती थी। गिल्लू खुशी से ननिहाल की घास के बारे में सोचने लगी और उस वजह से ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जल्दी उठकर मम्मी बकरी और पापा बकरी के साथ गिल्लू नानी के घर चल दी। रात भर ना सो पाने की वजह से गिल्लू थकी हुई थी और ठीक से चल नहीं पा रही थी। नानी के घर की घास के बारे में सोच सोच कर कई बार वो पीछे भी छूट जा रही थी तो उसे मम्मी बकरी से डांट भी पड़ रही थी। रास्ते में थोड़ा ब्रेक लेकर मम्मी पापा बकरी ने घास का लंच किया जो वो साथ टिफिन में रख के चले थे। लेकिन गिल्लू ने ये सोचकर लंच नहीं किया कि अगर अभी खा लिया तो नानी के घर क्या खाएगी। दिन ढल चुका था और गिल्लू की भूख भी बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन नानी का घर बस कुछ ही दूर रह गया था। जैसे ही आखिरी चट्टान पार की तो देखा कि नानी बकरी के घर के पास सैकड़ों भेड़े उस हरी भरी घास पे दावत उड़ा रही है जिसके बारे में वो पिछली रात से सोच रही थी। उन भेड़ों का कोई गेट टुगेदर था। गिल्लू को ये देखकर बड़ी हताशा हुई। उसने सोचा, इससे अच्छा तो टिफिन की घास खा ही लेती। भूख से बेहाल गिल्लू को देखकर नानी बकरी ने मम्मी बकरी से इसकी वजह पूछी तो पता चला कि कैसे वो यहाँ की घास खाने की एक्साइटमेंट में ठीक से सोई नहीं और रास्ते में लंच भी नहीं किया। ये सुनकर नानी बकरी गिल्लू को अपने घर के दूसरे आंगन में ले गई जहां उन्होंने गिल्लू के लिए बहुत सारी घास बचा कर रखी हुई थी, जिसे देखते ही गिल्लू ने पहले तो अपना पेट भरा, फिर उस ढेर के साथ खूब खेली। नानी बकरी ने कहा कि आने वाले कल के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने पास जो कुछ भी आज है उसे नहीं भूलना चाहिए।